नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। शादियों का सीज़न ऑन हो चुका है, ऐसे में आपके घर शादी हो या ना हो, आपको सड़क पर नाचते हुए बाराती ज़रूर दिख जाएंगे। ये बाराती नाचने में इतने मदमस्त होते हैं कि इन्हें खबर ही नहीं होता कि इनके कारण कितने लोग जाम की समस्या झेल रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी में प्रशासन ने आम लोगों को शादी वाले जाम से निजात दिलाने के लिए 7 पॉइंट्स की गाइडलाइन जारी की है, जिसका दूल्हे और दुल्हन पक्ष वालों को 7 फेरे लेते समय खास ध्यान देना होगा। इस गाइडलाइन में खास बात यह है कि अब दूल्हा बैंकेट हॉल या किसी भी मैरिज हॉल के गेट पर रिबन नहीं काट सकेगा। यही नहीं, रिबन काटने के दौरान होने वाली जीजा साली की मजाक भी नहीं हो सकेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि दूल्हा अब मैरिज हॉल के गेट पर रिबन नहीं काटेगा, बल्कि अंदर किसी जगह पर ऐसा किया जा सकता है। दरअसल एसपी सिटी प्रकाश चंद्र और सिटी मैजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी समेत सीओ सिटी नितिन लोहनी के ने बैंकेट हॉल, टेंट हाउस, डीजे और बैंड वालों के साथ एक बैठक की और इनको 7 पॉइंट्स पर ध्यान देने की बात कही, जिसमें साउंड ट्रॉली पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए, किसी भी प्रकार से रोड पर ट्रैफिक जाम न किया जाए, शादी समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था स्वयं बैंकेट स्वामी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, रोड पर किसी भी प्रकार से वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा, सभी बैंकेट हॉल स्वामी उनके यहाँ होने वाले शादी समारोह की तिथिवार सूचना नजदीकी थाने को देंगे, रात 10 बजे के बाद डीजे पूर्ण रूप से बंद रहेगा, साथ ही अन्य म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिनका डेसिबल 70 से ऊपर का है वो भी प्रतिबंधित होगा। बैंकेट हॉल टेंट टेंट व्यवसाय लाइटिंग के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे बैंकेट हॉल बारात घर के अंदर और बाहर पर्याप्त मात्रा में लगाएंगे। शादी समारोह के दौरान एंट्री गेट पर रिबन काटने के रिवाज होता है, जिसमें उस समय काफ़ी भीड़ एकत्रित होती है। सभी को अवगत कराया गया है कि ये आयोजन एकदम रोड पर न किया जाए, कम से कम रोड से 20-30 मीटर अंदर हो, ताकि रोड पर किसी भी प्रकार का जाम न लगे। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे एन न्यूज़। धन्यवाद।